यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तेजस का स्कूल जो है शुरू है और उसके एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और सिंपल सा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, सैंडविच। वो मिल्क नहीं पी के जाता है क्योंकि इस वक्त मैं उसको मिल्क नहीं देती हूँ मॉर्निंग में, थोड़ा हैवी दे देती हूँ क्योंकि टिफ़िन तो उसको ले जाना नहीं है। तो इसीलिए मैं जो है सिंपल सा सैंडविच बनाकर दे रही हूँ, आलू और मटर वाला। साथ में मैंने म्यूनिस ऐड कर दी है, तो मैं तवे पे ही सैंडविच बनाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा, मैंने इसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर दी है। तो चलिए उसको देते हैं। और रेसिपी मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में शेयर की है, आज तो मेरे पास टाइम नहीं था। जो मैंने सुबह जो रिकॉर्डिंग की थी उसमें मैंने आपको शो नहीं किया है। तो वो सॉस के साथ खाता है, तो मैं सॉस के साथ उसको दे रही हूँ सैंडविच। ये हो गया उसका नाश्ता। चलिए उसकी वाटर बॉटल धुल लेते हैं क्योंकि वो पानी ज़रूर लेके जाता है और देना भी चाहिए क्योंकि गला उस बच्चों का सूखता है स्कूल में, तो इसलिए मैं वाटर बॉटल ज़रूर देती हूँ। तो बस मैं डेली वॉश करती हूँ उसकी वाटर बॉटल और फटाफट उसको दूंगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। और एक काम मैं ज़रूर करती हूँ, पानी भरने के बाद मैं वाटर बॉटल में ज़रूर देखती हूँ कि कुछ पड़ा तो नहीं है। ये मेरी बहुत ही गंदी आदत है या अच्छी आदत है ये मुझे नहीं मालूम। और डायरेक्ट मैं व्लॉग शाम से शूट कर रही हूँ, मैंने मॉर्निंग में शूट किया था, उसके बाद मैं दिन में मैंने कुछ भी नहीं शूट किया। शाम को मैं बर्तन धुल रही थी तो बस मैं यहाँ पर शूट कर रही हूँ। और आप देख सकते हो काफ़ी बर्तन थे जो हम लोग ने लंच किया था, वो उसके बर्तन थे। आपको पता है कि आज मैंने दिन में बहुत बहुत ज़्यादा काम किया है और मैंने शूट नहीं किया। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग शूट नहीं कर पाते हैं, 24 आवर्स में इतने सारे काम होते हैं कि आप शूट नहीं कर पाते हो। और यहाँ पर मैं तेजस से बात कर रही थी, तेजस को शाम का ब्रेकफास्ट मैंने दे दिया है। और ये देखिए कितनी शैतानी से कैमरे की तरफ देखते हैं और स्माइल पास करते हैं, बस इसकी शैतानियाँ तो कम नहीं होने वाली हैं। तो देखिए फटाफट हम बर्तन धुलते हैं, उसके बाद बहुत सारे काम हैं आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर मैं निकाल रही थी घी, और थोड़ा ही से घी निकाल रही थी। ये 3 से 4 दिन की मलाई थी, तो ये गाय के दूध की मलाई है, तो आपको थोड़ी सी येलो दिख रही होगी। तेजस को मैं गाय का ही घी देती हूँ और वो भी घर का निकाला हुआ। कहते हैं कि गाय का घी खाने से ना लोगों की जो आंखें होती हैं रोशनी होती है तेज हो जाती है, तो घी हमारा निकल गया है। ये ज़्यादातर तेजस के लिए ही निकाला जाता है, तो हम लोग भी यूज़ कर लेते हैं। तो गाय का दूध हम लोग अलग सा लेते हैं और आप देख सकते हो कि हमारे घी निकल आया, अच्छा खासा निकलता है, 3 से 4 दिन चल जाता है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी क्योंकि आप समझ सकते हो एक के बाद एक काम करना ही पड़ता है। और तेजस पीछे खड़े हैं और मुझसे बातें करते जा रहे हैं और मैं उनसे बातें करती जा रही हूँ और बस रोटियों की तैयारी कर रही हूँ। तो फटाफट बनाएंगे रोटियाँ। अच्छा, किसके साथ ऐसा होता है कि एक के बाद काम करना ही करना है, दिन भर फुर्सत नहीं मिलती? प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा, शायद उनका कनेक्शन मेरा कनेक्शन एक ही हो। तो बस जो है मैंने फटाफट जो है आटा सान लिया था और रोटियां मैं बना रही हूँ। और एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी थी, आप देख सकते हो हमारी दाल भी हो गई है और आज थोड़ी ट्विस्ट वाली दाल मैं बनाऊँगी तड़का देकर। फाइनली आप सबसे बात करने का मुझको मौका मिल गया क्योंकि मैं शाम से बहुत ज़्यादा बिजी। शाम क्यों, सुबह से मैं बिज़ी थी। आज मशीन लगाई थी, मशीन लगाने के बाद कपड़े फोल्ड करके अलमीरा में रखना, उसके बाद खाना बनाना, बहुत सारे काम थे। सुबह से काम करते करते एकदम पस्त हो चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। जैसे ही आपको पता है कि कल मैंने कोई भी काम नहीं किया था और आज उतना ही काम मुझे करना पड़ा। तो अब तो मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। इस समय बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 9 बज चुके हैं। फाइनली मेला आज मुझे हो क्या रहा है, मेरा की जगह मेला और शाम की जगह शाम, पता नहीं क्या हो रहा है। फाइनली मेरा खाना बन चुका है, मुझे ये सुकून है, अब कोई टेंशन नहीं है। सबसे ज़्यादा हम लोगों को यही टेंशन होती है, खाना नहीं बना, क्या बनाना। तो आज सिंपल सा खाना बनाया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। दाल मेरी चढ़ी हुई है, दाल में थोड़ा सा ट्विस्ट और तड़का वाली दाल है, दाल चढ़ी है, दाल हो जाएगी,
फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ तेरे सबसे बड़ा काम मैंने किया है। क्या काम किया तुमने? देखिए मैं स्कूल गया, पेपर दिया, दोस्तों को परेशान किया और माँ को कितना परेशान किया। वो अभी रुकी वो बाद में, ठीक है। उसके बाद घर आया, फिर खाना खाया, सबसे बड़ा काम। फिर उससे बड़ा काम मैं फिर सोया नहीं, उससे बड़ा काम कि मैं पढ़ा, उससे बड़ा काम कि मैं फिर दीदी फिर पढ़ा, फिर उसके बाद दीदी गई फिर मैं पढ़ा, फिर उसके बाद कि मम्मा को परेशान करा, अभी भी परेशान कर रहा हूँ। अभी फिर मैंने बोला कि मैं मम्मा को परेशान कर, कि मैंने बोला कि मम्मा को परेशान इतना सारा प्यार तो आपके बच्चों ने भी नहीं किया। क्या हुआ? कारपेट चढ़ गए। कारपेट पे चढ़े तो जैसे लगा चूहा इतना बड़ा। बस अब बैठे, बस करो, अब बस करो, जाओ 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 चलो। तो आप देख सकते हैं कितनी शैतानी हो रही है। और सबसे ज़्यादा आपको एक बात बता दूँ, इनके एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा खुशी इन्हीं को है। भाई खुशी क्यों ना हो, हम सबको भी खुशी होती थी जब हम लोग के एग्ज़ाम ख़त्म होते थे, फिर सोचते थे ये करेंगे वो करेंगे, मगर कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, बस शैतानी थोड़ी बहुत कर लेते थे। अरे बाप रे बाप, मेरे बाल वाल सब बेकार कर दिए इस लड़के ने। तो थोड़ी देर मैं रेस्ट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये है हमारी दाल, वो भी मटर वाली दाल है, बहुत टेस्टी लगती है मटर वाली दाल। और रोटी और चावल बनाया था, सिंपल सा मेरा डिनर तैयार है, टेस्टी सा। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? बस आज तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही लग रही। कल का ब्लॉग जो था, बस खाना खाने के बाद लेट गए थे और कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ हो गई। मेरे बहुत ज़्यादा पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सर में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं चाय पी रही हूँ, और आज की चाय मुझे बनी बनाई मिली है। चाय मैं आपको कैसे दिखाऊँ, आंखों से तो समझ गए होंगे कि बस सो के उठी है रुचि। आज मैंने जो है स्किन केयर भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, बस मुझे बैटी मिल गई, जिसे कहते हैं असली बैटी, वो है मुझे मिली है। चाय बहुत बढ़िया बनी है, खूब सारी अदरक काली मिर्च वाली चाय बनी है। तेजस इधर सो रहे हैं, मैं उनको जगाऊंगी थोड़ी देर में। टाइम से खाना चाह रही थी आपको, मगर मोबाइल शायद उस साइड रखा है। हाँ उस साइड रखा है। कल खाना खाने के बाद बहुत अच्छा मन था, उसके बाद थोड़ी देर मैंने सोचा कि अभी मैं व्लॉग शूट करूँगी और आप सबसे बातें करूँगी, मगर क्या कहूँ, अचानक से मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, सर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। मैं व्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई, बिल्कुल भी नहीं, और आंखें भी बहुत जल्दी खुल गई। 5 बजे मेरी आंखें खुल गई थी, वैसे 5:30 बजे उठती हूँ आजकल, तो 5 बजे आंखें खुल गई और तब से मैं जगी रही हूँ। फिर हस्बैंड जग गए तो उन्होंने चाय बना कर दे दी। और आप बताइए, आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं? होली होली का काम हम हो गया है, पापड़ वापड़ बन गए हैं कि नहीं गए हैं?